लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड टूलबार के सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फाइल मेन्यू में आपको जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो है न्यू। न्यू में आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आप न्यू में आके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास लिब्रे ऑफिस राइटर का एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाएगा। फाइल में ही आएंगे न्यू पे, अगर आप स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक नई स्प्रेडशीट आ जाएगी। क्लोज कर देंगे तो स्प्रेडशीट हट जाएगी। नेक्स्ट फाइल में ही आएंगे न्यू पे, नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खुल ओपन होकर आ जाएगा। तो क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने जो स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू के ऑप्शंस को पढ़ा था वही सेम ऑप्शंस आपको फाइल मेन्यू में न्यू के अंदर मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है ओपन। अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। जिस नाम से आपने फाइल सेव की है उस फाइल का नाम डालिए। जैसे हमने मार्कशीट नाम से एक फाइल सेव की थी, फाइल के नेम को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो ओपन होकर आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन रिमोट। ओपन रिमोट को भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओपन रिमोट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने अपनी किसी फाइल को सर्वर पे सेव किया है और आप उस फाइल को ओपन कराना चाहते हैं। पर ये ऑप्शन आपका तभी यूज़ होता है जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा और आपकी फाइल सर्वर पर सेव होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी किसी रीसेंट फाइल को ओपन कराना होता है। जब आप रीसेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल आपने रिसेंटली ओपन की होंगी उन फाइल्स का नेम शो कर रहा होगा। अगर आपको उन फाइल में से किसी को ओपन कराना है तो आप उस फाइल पर क्लिक करके उसे ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट फाइल में आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज। अगर आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो करंट डॉक्यूमेंट ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। यहीं से हम कैल्क ओपन कर देंगे। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है विजार्ड। विजार्ड में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लेटर। ये विजार्ड के जो ऑप्शंस हैं ये हम लिब्रे ऑफिस राइटर में भी पढ़ चुके हैं। जब आप विजार्ड में लेटर पे क्लिक करते हैं तो अगर आप किसी को लेटर वगैरह भेजते हैं आपको उस लेटर का यहाँ पे फॉर्मेट मिलेगा, पेज डिज़ाइन मिल रही है कि आप किस तरीके का लेटर, आप अपने लेटर के लिए किस तरीके का पेज डिज़ाइन लेना चाहते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं प्लीज़ चूज़ द टाइप ऑफ लेटर एंड पेज डिज़ाइन। तो अगर आपको बिजनेस लेटर लेना है आप बिजनेस लेटर पे क्लिक करिए, आपके पास बिजनेस लेटर का फॉर्मेट आएगा। अब बिजनेस लेटर में आपको पेज डिज़ाइन कैसी रखनी है, एलिगेंट, तो इस तरीके का फॉर्मेट आएगा। अगर आप यहाँ पे लेंगे मॉडर्न तो इस फॉर्मेट का शो करेगा। अगर आप ऑफिस लेंगे तो ऑफिस पर्पस का शो करेगा। नेक्स्ट यूज़ लेटर हेड पेपर विद प्रिंटेड एलिमेंट ऑन कर देंगे तो आपके पास देखिए जैसे लेटर हेड का फॉर्म होता है वैसे शो करेगा। ऑफ़ करेंगे तो नॉर्मल। अगर आप फॉर्मल पर्सनल लेटर भेज रहे हैं तो आप इसको चूज़ करिए। अब पेज की डिज़ाइन कैसी रखनी है, एलिगेंट, तो इस फॉर्मेट में आएगा। मॉडर्न लेंगे तो इस तरीके से शो करेगा और अगर आप ऑफिस पर्पस लेंगे तो इस तरीके से आएगा। अगर आप कोई पर्सनल लेटर भेज रहे हैं तो आप पर्सनल लेटर चूज़ करिए। आपको पर्सनल लेटर के पेज डिज़ाइन कैसा रखना है, बॉटल फॉर्म, यहाँ पे आके मेल फॉर्मेट रखना है, आपको मैरीन रखना है या फिर आपको रेड लाइन फॉर्म रखना है। तो हमने यहाँ पे सिंपल ले लिया मेल फॉर्मेट। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है। सैल्यूटेशंस, अगर आप लेटर को एंड करते हैं तो आपको इसमें सैल्यूटेशंस कैसी रखनी है, टू होम, डियर सर मैम, या फिर यहाँ पे आपको हेलो लेना है। तो हमने यहाँ पे एक सैल्यूटेशन ले ली। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब आप एंड में जब अपने लेटर को क्लोज करते हैं तो उसमें आपको सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स या चीयर्स, इनमें से कोई फॉर्मेट रखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग का तो वो ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंसियरली ले लिया। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद टेम्पलेट का नाम, अगर आप इस फॉर्मेट को सेव कराना चाहते हैं टेम्पलेट में तो यहाँ पे नाम डाल के उसको सेव करा सकते हैं। यहाँ से आके हम फिनिश करेंगे।
यस करेंगे। यस करने के बाद आपके पास लेटर का जो फॉर्मेट है वो शो होने लगेगा। आपको जो भी लेटर लिखना है आप यहाँ पे उस लेटर को लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने ले लिया DTF। इस तरीके से आपके पास जो लेटर है वो आ जाएगा। फॉर्मेट आपने जो सैल्यूटेशंस ली थी एंड में आपने जो ग्रीटिंग लाइंस ली थी वो शो हो जाएंगी। हटाना है तो यहाँ से हम क्लोज करेंगे, सेव करना है तो सेव, नहीं करना है तो डोंट सेव करेंगे। इसके बाद इसी तरीके से टेम्पलेट में हमें विजार्ड में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है फैक्स। अगर आप फैक्स पे क्लिक करेंगे तो फैक्स के लिए फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। आपको पेज की डिज़ाइन कैसी रखनी है, बिजनेस फैक्स है तो बिजनेस फैक्स के लिए आपको पेज डिज़ाइन कैसा रखना है, क्लासिक तो इस फॉर्मेट का शो करेगा, क्लासिक फ्रॉम प्राइवेट करेंगे तो इस तरीके का आएगा, नेक्स्ट मॉडर्न फैक्स करेंगे तो मॉडर्न फॉर्मेट का आएगा यहाँ पे, और अगर मॉडर्न फैक्स फ्रॉम प्राइवेट करेंगे तो इस फॉर्मेट का शो करेगा। अगर आप पर्सनल फैक्स ले रहे हैं तो पर्सनल फैक्स में आपको फॉर्मेट कैसा रखना है, पेज डिज़ाइन, बॉटल, फैक्स का फॉर्म, लाइंस या मिरर। तो हमने फैक्स ले लिया। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ मैसेज किस तरीके का आपको फॉर्मेट रखना है। फैक्स विज़ार्ड का कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई न्यूज़ है तो हमने यहाँ पे दे दिया फॉर योर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सैल्यूटेशन क्या रखना है, आप सैल्यूटेशंस ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या देनी है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप टेम्पलेट में इसको सेव कराना चाहते हैं करा सकते हैं। फिनिश कराएंगे, यस करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास जो आपने फैक्स का फॉर्मेट लिया है वो शो करेगा इस तरीके से। हटाना है तो क्लोज करेंगे। नेक्स्ट विजार्ड में आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन एजेंडा। अगर कोई कंपनी वगैरह होती है तो वो अपना एक एजेंडा तैयार करती है किसी चीज़ के लिए, तो आपको उसका फॉर्मेट अगर सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं। आपको एजेंडा के लिए पेज का डिज़ाइन क्या रखना है, सिंपल, ग्रे फॉर्मेट, मॉडर्न या फिर ऑरेंज, यहाँ पर आके रेड फॉर्मेट रखना है। तो यहाँ से आप कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको एजेंडा के लिए क्या रखनी है, डेट आपको रखना है कि डेट क्या है, टाइमिंग यानी जो अगर कोई मीटिंग है तो उसका टाइम क्या है, आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से ले लिया टाइम, नेम, बोर्ड मीटिंग, लोकेशन कहाँ है, राज, यहाँ पे आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद टाइप ऑफ मीटिंग आपको रखना है, प्लीज़ रीड ये रखना है, प्लीज़ ब्रिंग या कोई नोट्स देना है। तो आपको इनमें से जो भी टेम्प फॉर्मेट रखना है एजेंडा के लिए आप उसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको एजेंडा के टेम्पलेट में मीटिंग कॉर्ड बाय चेयरपर्सन का नाम, मिनट कीपर रखना है, अगर रखना है तो रखेंगे, नहीं रखना है तो हम इसको ऑफ करा सकते हैं। अटेंडीज कितने हैं आपको ये देखना है, ऑब्जर्वर, इन सब को ऐड कराना तो करा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे एजेंडा आइटम यानी जो जो एजेंडा है आपका, जिन जिन टॉपिक्स पे आप डिस्कशन करने वाले हैं आप उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको इसको सेव कराना है तो आप टेम्पलेट में नाम दे के इसका सेव करा सकते हैं, नहीं कराना है तो हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एजेंडा का फॉर्मेट बन के आएगा। वहाँ पे जितनी भी डिटेलिंग आपने दी थी देखिए यहाँ पे शो कर रही है। इसके बाद अगर आप टाइप ऑफ मीटिंग डालना चाहें तो क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी मीटिंग का टाइप डाल सकते हैं। मीटिंग कॉल्ड बाय किसने बुलाई है आपको वो डालना आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चेयरपर्सन कौन है, कितने अटेंडीज है, किन टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है विजार्ड में डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। डॉक्यूमेंट कन्वर्टर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करना होता है। तो डॉक्यूमेंट कन्वर्टर को चलाने के लिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट कन्वर्टर का काम होता है कि अगर आपकी कोई वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की फाइल है आप उसको लिब्रे ऑफिस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं, मिनिमाइज़ करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर आएंगे और यहाँ पर आके फोल्डर पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया इस तरीके से कंटेंट नाम से। इस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम कुछ फाइल ले लेते हैं।
डॉक्यूमेंट में आके एक हम वर्ड की फाइल चूज़ कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये a1.docx आ रहा है तो ये आपकी वर्ड की फाइल है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, माउस का राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और अपने डेस्कटॉप में जो फाइल हमने बनाई, फोल्डर बनाया था कंटेंट के नाम से, उसमें आके माउस का राइट क्लिक करके पेस्ट करा देंगे। इसी तरीके से फिर हम डॉक्यूमेंट पे गए, यहाँ पर हमने एक एक्सेल की फ़ाइल चूज़ कर ली। अब एक्सेल की फ़ाइल कैसे पहचानेंगे, डॉट एक्सेल एक्स होता है एक्सटेंशन है एक्सेल का, तो हम यहाँ से एक्सेल की फ़ाइल एक चूज़ कर देंगे। जैसे देखिए शीट एक्सेल एस, तो मैं उसका राइट क्लिक करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और डेस्कटॉप में आएंगे, हमने जो फोल्डर बनाया था इस पर माउस का राइट क्लिक करके पेस्ट करा देंगे। इसी तरीके से अगर आपको पावर पॉइंट की भी एक फाइल लेनी है तो यहीं से आएंगे डॉक्यूमेंट में, पावर पॉइंट चूज़ कर देंगे। पावर पॉइंट की फाइल को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से डॉट PPT के फॉर्म में शो हो रहा है, तो हमने यहाँ पे पावर पॉइंट की भी फाइल ले ली। माउस का राइट क्लिक कॉपी एंड डेस्कटॉप फोल्डर पे आएंगे, पेस्ट कराएंगे। तो ये हमारे वर्ड की फाइल है, यानी ये हमारे MS Office, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये तीन फाइल्स हैं। हमें इन तीनों फाइल्स को कन्वर्ट करना है लिब्रे ऑफिस में। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैल्क में आएंगे, फाइल में आएंगे, विजार्ड में डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। डॉक्यूमेंट कन्वर्टर में आने के बाद देखिए दिखा रहा है सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ कन्वर्शन, यानी आपके डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है आप उसको चूज़ करिए। MS Office में हमारा कन्वर्जन है वर्ड डॉक्यूमेंट का, एक्सेल का एंड पावर पॉइंट का। इतना करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट फ्रॉम, जहाँ से उस फाइल को इंपोर्ट कराना चाहते हैं आप ले लीजिए, तो हम लोग यहीं से आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे, हमारा कंटेंट के नाम से फोल्डर है उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस हम नीचे वाले में करेंगे, सेव टू, यानी जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं वो कहाँ जाके सेव हो, तो डेस्कटॉप में जो कंटेंट नाम का फोल्डर है उसी के अंदर। वर्ड डॉक्यूमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, डेस्कटॉप पे आएंगे, कंटेंट नाम का फोल्डर इसको सेलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, डेस्कटॉप कंटेंट का फोल्डर सेलेक्ट। इतना करने के बाद हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से भी करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कन्वर्टर शो कर रहा है, कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है कन्वर्टिंग द डॉक्यूमेंट, प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दो डॉक्यूमेंट हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं, तीसरा डॉक्यूमेंट भी हमारा कन्वर्ट हो चुका है। क्लोज करेंगे। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना है तो यहीं से मिनिमाइज़ करिए, कंटेंट के फोल्डर पर डबल क्लिक करिए। देखिए आपकी जो वर्ड की फाइल थी .docx अब वो राइटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है .odt। आपकी जो एज एजुकेशन जो PPTX यानी पावर पॉइंट की फाइल थी वो आपके .odp यानी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन इम्प्रेस में कन्वर्ट हो गई है, और आपकी जो फाइल एक्सेल की थी जहाँ पे .xls था अब वो आपकी ODS फॉर्म यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप विद डॉक्यूमेंट, आप विजार्ड में कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने MS Office के फाइल्स को लिब्रे ऑफिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यूरो कन्वर्टर, जिस तरीके से हम डॉक्यूमेंट कन्वर्टर का यूज़ करते हैं वैसे ही हम यूरो कन्वर्टर कर सकते हैं। एड्रेस डेटा सोर्स का यूज़ भी हम तभी करते हैं जब हमें अपना कोई डेटाबेस तैयार कराना होता है, तो हम यहाँ से विजार्ड से कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है टेम्पलेट। टेम्पलेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने कोई टेम्पलेट बनाया हो और उस टेम्पलेट को अगर हमें ओपन कराना हो, सेव कराना हो या मैनेज करना हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, यहाँ पे हमने ऐसे एक डॉक्यूमेंट बना लिया, इस तरीके से हम एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। ऐसे हमने कुछ काम किया,
अब आप इस डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट में सेव कराना चाहते हैं, तो टेम्पलेट में आके सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे पूछेगा कैटेगरी कि आप किस जगह पे अपने इस टेम्पलेट फाइल को सेव कराना चाहेंगे। तो हम माई टेम्पलेट में जाके नाम देंगे जिस नाम से सेव कराना है, सेव पे क्लिक करेंगे, या आपका जो डॉक्यूमेंट है टेम्पलेट में सेव हो गया। अब हम एक न्यू शीट लेते हैं कैल्क की। अगर आपको उसी टेम्पलेट फाइल को ओपन कराना है तो टेम्पलेट में आके ओपन पे क्लिक करिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपने अपने टेम्पलेट फाइल को सेव किया होगा आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ पे भी जिस नाम से अपने टेम्पलेट फाइल को सेव किया है आप उस नाम से ओपन करा सकते हैं। यहाँ पे आके हम लोग लेंगे टेम्पलेट फाइल्स। अगर आप अपने टेम्पलेट को मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करके आप अपने टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल कैटेगरी आ रहा है। आपने माई टेम्पलेट में फाइल सेव कराई थी तो यहाँ पे शो हो रहा है रिपोर्ट। आप अगर ओपन कराएंगे तो इसको ओपन करा सकते हैं। माउस का राइट क्लिक करके आप इसी टेम्पलेट फाइल में एडिटिंग कर सकते हैं, रीनेम से नाम चेंज कर सकते हैं और डिलीट से अपने टेम्पलेट फाइल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे रीलोड। रीलोड का काम क्या होता है, मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरीके से चेंजेस कराए। अब आप अगर ये चाहते हैं कि आपका जैसे पहले डॉक्यूमेंट था आपको वैसे ही करना है, जो भी एक्स्ट्रा चेंजेस हुए हैं ये हट जाए, तो यहाँ पे आके हमें एक ऑप्शन मिलता है रीलोड का, हम करा सकते हैं। जैसे हमने ये फाइल सेव कराई, सेव कराने के बाद अगर हम इसमें कोई चेंजेस कर दें, अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो जैसे पहले डॉक्यूमेंट था आपको वैसे ही चाहिए तो आप रीलोड कर दीजिए। क्या दिखा रहा है, कैंसिल ऑल करंट चेंजेस, यानी करेंटली जितने भी चेंजेस हुए होंगे वो हट जाएंगे और आपकी फाइल जैसे पहले थी वैसे ही लोड होकर आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्जन। वर्जन का यूज़ करके हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मल्टीपल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द सेम फाइल। जब आप वर्जन पर क्लिक करेंगे तो सेव न्यू वर्जन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नाम देना है तो आप नाम दे दीजिए, ऐसे हमने डाल दिया। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने जिस डेट पे अपने फाइल को के वर्जन को सेव कराया है वो दिखा रहा है, जो कमेंट दिया था वो दिखा रहा है। अगर आप अपने इस वर्जन को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। कंपेयर का यूज़ किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से कंपेयरिंग के लिए करते हैं। शो पे क्लिक करेंगे तो किस नाम से आपने अपने फाइल को सेव किया था वो दिखा रहा है। क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा और ओपन से इसी को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वर्जन का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। सेव का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेव कराना होता है, यानी आपने कोई फाइल में एडिटिंग की है और अगर आप चाहते हैं कि ये वर्क भी आपका कंटिन्यू इसी फाइल में ऐड हो जाए तो आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेव करा सकते हैं। सेव रिमोट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्वर पे सेव कराना होता है। सेव एस, जब भी हम फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करते हैं या फाइल को टाइटल देते हैं तब हम सेव एस के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सेव अ कॉपी का मतलब होता है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है अगर आप अपने इसी डॉक्यूमेंट को कॉपी के फॉर्म में सेव कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। सेव ऑल, सेव ऑल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने लिब्रे ऑफिस के अलग अलग सॉफ्टवेयर को एक साथ सेव कराना हो। जैसे मान लीजिए हम कैल्क पे हैं, हमने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन किया है, इस पे कुछ काम किया। इसी तरीके से आपने यहाँ से इम्प्रेस भी ओपन किया, प्रेजेंटेशन ओपन किया, आपने इस पे भी कुछ काम किया। अब अगर आप इन तीनों को एक साथ सेव कराना चाहते हैं, ऐसे तो जब हम लोग सेव कराएंगे तो हर लिब्रे ऑफिस पे आके हमें सेव एज का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा,
लेकिन अगर आप किसी पर भी हैं, चाहे कैल्क पे, राइटर पे या इम्प्रेस पे, आप सेव ऑल का यूज़ करेंगे तो ये लिब्रे ऑफिस के डॉक्यूमेंट को सेव कराता जाएगा। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कराना है, नाम डाल के सेव पे क्लिक करिए, फिर आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, फिर आप कैल्क को सेव कर सकते हैं और इसी तरीके से आप इम्प्रेस को भी सेव कर सकते हैं। तो सेव ऑल का यूज़ हम अपने लिब्रे ऑफिस के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को एक साथ सेव कराने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का ऑप्शन हम स्टैंडर्ड टूल बार से भी पढ़ चुके हैं कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको XHTML, PDF, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003, JPEG, PNG फॉर्मेट मिल रहा है। आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं कर सकते हैं। हम मान लीजिए हमने डेस्कटॉप लगा के सेव एज टाइप में ले लिया HTML फॉर्मेट, फाइल का नाम डाल के जब हम सेव पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे तो आप देखिएगा आपके पास डबल क्यू नाम से एक फ़ाइल आएगी जो जिसे हम वेब पेज पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, एक्सपोर्ट पे ही क्लिक करेंगे। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को PDF के फॉर्म में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं तो डेस्कटॉप लगा के फाइल का नाम देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे PDF लगाते देखिए डायलॉग बॉक्स, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि आपको पूरे शीट को PDF के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पेजेस हैं तो इनमें से जिन जिन पेजेस को करना है, और सिलेक्शन का मतलब जो पार्ट सेलेक्ट किया है। एक्सपोर्ट कराएंगे, मिनिमाइज़ करेंगे तो यहाँ पे देखिए डबल टिक फाइल को सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो फाइल है वो PDF के फॉर्म में एक्सपोर्ट होकर आ जाएगी। क्लोज कर देंगे, यहाँ से मिनिमाइज़ किया। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। एक्सपोर्ट एज PDF करेंगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट को PDF के फॉर्म में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। सेंड पर आएंगे, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को मेल कर रहे हैं तो आप मेल का यूज़ सेंड ईमेल डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट मेल कर रहे हैं तो ईमेल एज अ ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट ले सकते हैं। एक्सेल की फाइल को मेल कर रहे हैं, PDF मेल कर रहे हैं या ब्लूटूथ का यूज़ करके मेल कर रहे हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, पर इसके लिए आपके पास नेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं। प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी शीट का प्रीव्यू देख सकते हैं वेब ब्राउज़र पे। इस तरीके से दिखा रहा है, यानी किसी ब्राउज़र पे आप अपनी शीट का प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लोज़ करना है, यहाँ से हम क्लोज़ करेंगे डॉक्यूमेंट को। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हम प्रिंट कराने से पहले अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम जूम करके देख सकते हैं जितना चाहें, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पे शो करेगा हमारा डॉक्यूमेंट। क्लोज़ करेंगे तो नॉर्मल यहाँ पर आके फॉर्मेट अगर अपने पेज को करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे हमने पहले ऑप्शन पढ़ा था, सेम ऑप्शंस आपको ये मिल रहे हैं। तो आप इनको यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड लगाना है, बॉर्डर लगाना है, हेडर फुटर सेट करना है, शीट की सेटिंग करनी है, आप कर सकते हैं। क्लोज करेंगे, नेक्स्ट फाइल में ऑप्शन है प्रिंट। अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हम प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, पेज रेंज, आपको पूरी शीट का प्रिंट निकालना है, सेलेक्टेड शीट का प्रिंट निकालना है, सेलेक्टेड सेल का प्रिंट निकालना है, फॉर्मेट क्या है प्रिंट का, सारे पेजेस का प्रिंट निकालना है या पर्टिकुलर कोई पेजेस चूज़ करके प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपने प्रिंट की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है प्रिंटर सेटिंग, आप इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है उसका सिलेक्शन लीजिए। प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं अपने प्रिंटर के, किस साइज़ के पेपर में प्रिंट निकालना है वो सेट कर सकते हैं, टाइप क्या है प्लेन पेपर, इस तरीके से लेटर हेड यहाँ पे चूज़ करके ओके करेंगे तो आपका प्रिंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिटल सिग्नेचर हमारा भी यूज़ होगा नहीं। प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो अपनी फाइल की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फाइल का नाम क्या है, किस सॉफ्टवेयर की फाइल है, स्प्रेडशीट, लोकेशन किस जगह पे फाइल सेव की है, फाइल का साइज़ कितना बड़ा है, फाइल का क्रिएशन कब हुआ है, फाइल में मॉडिफिकेशन कब किए गए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से रिवीजन नंबर्स कितनी लाइंस में काम है, यहाँ पे इस तरीके से पूरी आपको डिटेल देगा। अगर आपको अपने फाइल की प्रॉपर्टी सेट करनी है, टाइटल है, सब्जेक्ट है, कोई कमेंट देना है तो आप उसे यहाँ से ऐड भी करा सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम एग्जिट लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस है वो क्लोज हो जाएगा, आपको फिर से लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। फाइल मेन्यू आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है।